लंबी हो रही है केस की। कौन सी पोइम सुनते हैं नाम बताना, एक अभी भी चला दो। सॉरी चाची अब नहीं करूंगा। वहाँ पे उस पाल को एडमिट करा है, सीटी स्कैन हुआ है। कितना बड़ा हो गया, शादी की उम्र होगी भाभी उसकी। उठ जा रखी बांधे पैरों पे चल रहे, सब बच्चे जाएंगे दुबई। कैमरोस आँखी नहीं है उसकी, ना ना क्या ना मुंह ना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। सोता रहता है क्या? ले है? ओए बातें करो, जब देखो सोएगा यार। घूमने चलेंगे, भूप चलेंगे। ओए जीरा ऐसे गर्दन लंबी क्यों हो रही है खेस की? मेरे पे गई है गर्दन आज, दिखी पहली बार वाले। तो यहाँ पे हमारा अयान भी सो रहा है, सारा दिन अपनी नींद पूरी करते हैं और रात को सबको दुखी करते हैं। बेटे अयान, और यहाँ पे हमारे तूबा भी सो रहा है। बेटे आज क्या दिखा दो? और एक बदतमीज बच्चा ये रहा गाइस, ये भी देख सकते हो आप। कैसी मेहनत कर रहा है अभी, आज मैं नहीं बोलने वाला शाम तक इसके साथ। चीकू मैंने इसको बोल दिया, तीन बच्चे हो रहे हैं, मैं इनका व्लॉग बनाऊंगा। तो वो बड़ा बोलते तुमसे क्या? वो देखो जैद सही है, नहीं बोलते जैद? सही है, अभी नहीं बोलते भाभी। चाचू की आवाज सुनो, हम दोनों एक दूसरे की समझ जाते हैं आपस में। क्या कह रहा है? सोने दो, तंग मत करो मम्मी को। समझा था कमेंट आ रहे थे मैंने व्लॉग में कि ना नितिन चाचू बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको पोएम सुना कर। तो हाँ भाभी सुनाते हैं बच्चों को, बच्चे इससे हंसते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ मतलब कोई ट्यूनिंग चल रही होती है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सब बच्चों तीनों लिटा के चला के छोड़ते हैं ना, एक ही बार चुप भी हो गया था, एक दिन फुल रो रहा था, मैंने जैसे चलाई चुप हो गया। कौन सी पोएम सुनते हैं नाम बताना, मैं कभी भी चला दो। इंग्लिश पोएम और या हिंदी? सीख जाएगा इंग्लिश भी, सीखेगा भाई बच्चा। चलो उसको देखो बेचारे को, उसको तो मैं इससे तो बात ही नहीं करूंगा, इस बदतमीज बच्चे से गाइस कोई बात नहीं करूंगा आज। कोई तो गाइस अभी अभी हनुमान जी का कॉल आया था मॉर्निंग में ना, पायल को कफ हो रही थी, दो चार दिन से कफ हो रही थी, तो उसको 5 दिन का कोर्स चल रहा था नेबुलाइजेशन का। आज उसकी कफ से ना सुबह ब्लड आने लग गया, जैसे ही ब्लड आया तो हम लोग फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। तो अभी चीकू के पापा उसको पारस हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उस पायल को एडमिट करा है, सीटी स्कैन हुआ है, तो बताया कि इन्फेक्शन है। तो पूरी बात मुझे भी नहीं पता, मैं बार बार फोन नहीं कर पा रही उनको, तो बस वो आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को भी अपडेट देती हूँ। तो गाइस आज सुबह से ना क्या हुआ है, आज मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि सुबह से बच्चों का डायपर नहीं पहनाया था, तो तीनों बच्चों ने मिलके 20-22 पजामियां, जितनी पजामियां थी सारी गीली कर दी, और अभी बज रहे हैं 8:15। मेरे को चीकू को अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल से, चीकू को खाना खिलाना है, सुलाना है, कल इसका स्कूल है। और मैंने सोचा जो प्लान था ना मेरा पजामियां लेने का, वो कैंसिल कर रही हूँ, मैं कल जाऊंगी, क्योंकि मैं चली गई बाहर तो बहुत लेट हो जाएगा। चीकू आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, सिर्फ 15 मिनट का, मेरी बात सुन रहे हो? इसको नहीं भाभी कुछ समझ आता है, पता है कि घर में कैमरे लगे हुए हैं, पापा ये भूल चुका है भाभी, पापा वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे, एक बार सो जा। ये भूल चुका है भाभी ये चीज, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ भाभी, ये कोई फायदा नहीं इसको गिफ्ट देने का, ये जायद को दूंगा मैं इसके सोने के बाद। हेलो गुड मॉर्निंग, नहीं उठते? भाभी ने नाक खुल मार रखा अपने मुंह पे। जब मैं 6 बजे गई थी, 3 घंटे नहीं थी, 3 घंटे लड़की ने क्या किया? लड़का रोया, दूध पिया, फिर रोए, तेरे को याद करके रो रहा था ये, ठीक है? और ये सोच 1 घंटा छोड़ के नहीं जा सकती, तो बड़ा हो चुका है। कितना बड़ा हो गया, शादी की उम्र होगी भाभी उसकी, कितना बड़ा हो चुका। कभी कई बात इसलिए लड़की ढूंढती हूँ, एक काम करती हूँ, 5 को चीकू का बर्थडे है, क्या कोई प्लान है? कोई यही प्लान है, तो बताना नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बस यही है कि बस पायल ठीक हो जाए दीदी, क्योंकि ना पायल का क्या है कि आज ना अभी जो पायल खांसी कर रही थी दोबारा से खून आ रहा था, तो उन्होंने बोला है हाँ जी, हाँ शायद हो सकता है जख्म हो, बट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है ना गाइस वो शाम को आएगी, तो शाम को पता चलेगा 9:30 बजे कि उसकी रिपोर्ट में क्या है। तो आज तो वो रुकेगी रुकेगी, तो शायद 2 दिन और रुके, 5 का क्या करें। पर भैया देखो इस बार तो हम फुल पार्टी नहीं कर सकते, हॉस्पिटल जाके केक काट के आएंगे, कुछ ना कुछ अच्छी हो जाएगा, कोशिश तो कोई बात नहीं, हम जैसा भी होगा हम कुछ ना कुछ तो गेट टुगेदर करेंगे, साल में को बर्थडे आता है बच्चे का। उठ जा राखी बांधे पैरों पे चल रहे, राखी बांध लेना, राखी बनवानी है क्या? हाँ। अभी से ही, अभी तो राखी नहीं है, कितनी प्यारी लगती, चलो अभी बनवा देते हैं दीदी, इसको पूछो कितनी प्यारी लगती, अभी राखी बनवा देते हैं चीकू के। तू भागे अभी राखी बनवा दे। हाँ। क्या दोगे फिर बहन को, दोगे क्या देना पड़ता है भाई, सब कुछ क्या दोगे जल्दी बताओ। 10,000 जाओ, मैं राखी लेके आता हूँ, 10,000 रुपए लेके आओ, राखी बनवानी है तू पास अभी 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 थोड़ी राखी बेटा, राखी तो अगस्त में आती है, अगस्त में आती है, 3 महीने रह गए भाभी। अच्छा 10 दिन रह गए, 5 तारीख उसका बर्थडे है गाइस, तो 10 दिन रह गए चीकू के बर्थडे को, आज है 2 तारीख। आप इशारे कर रहे हो भाभी, इशारे कर रहे हैं कि 3 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, इस बार हमने सोचा भाभी चीकू का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे दुबई में, सब बच्चे जाएंगे दुबई, इसको पसंद नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जाता है, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, दुबई में स्कूटर लेके जाएंगे, दुबई में ऐसे स्कूटर लेके नहीं चलते, मैंने पहली बार वहीं चलाया था, जो मन करे उठा के लेके जाएंगे दुबई में, हमारी पर्सनल जेट पे जाएंगे, ये स्कूटर दुबई से ही चले हैं, दुबई में बहुत चलते हैं, दुबई छोड़ लंदन
लंदन चलते हैं घूमने का नहीं है सिंगापुर बाली इंडोनेशिया मलेशिया इसमें तो आप चले जाना के लिए जिसका बर्थडे वो पहले पहुंचना चाहिए ना वहाँ पे पहुंचेगा तो उसके हम कब पहुंचेंगे हम निकलेंगे पहले भाभी कितने साल क्या एक साल पहले निकलना पड़ेगा चार दिन का रास्ता आपको बस पे कैसे ये तो दुबई बगल में दूर थोड़ी ना है सपना दीदी चल रहे क्या दुबई है जितने भी लोग हैं आप सब इनवाइट हो बुर्ज खलीफा पे रात के 9 क्या ऐसे आगे भाई बता बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे तो गाइस बुर्ज खलीफा के रात के टॉप फ्लोर पे रात के 9 बजे हम लोग काटेंगे केक 5 मई को तो जितने भी लोग हैं सब पहुंच जाना टाइम से और जो लोग टाइम पे पहुंचेंगे उनको मिलेगा डबल जोली भैया आ जाना भैया क्या चाहिए बर्थडे में बता तो ड्रिफ्टर जो इसकी ऐसी तैसी करी थी लेके आए थे हम अभी चला रहा हूं यार अभी चार्ज कर रहा हूं चार ही दिन चलाओगे आप ये जैसे पहले चलाया था 4 दिन एक महीना वहां रहा था सही करने में जल्दी अभी काम की चीज लानी पड़ेगी आपके लिए फालतू की चीजें छोड़ दो बुक्स ले जाऊंगा भाई 10th क्लास की इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे सीधा 10th का डिफरेंट कलरिंग सेट ले आओ ना अभी इसको 10th की बुक्स ला दूंगा सीधा ही 10th पास अभी बड़ा आ जाएगा फिर इसकी सरकारी नौकरी लगवा देते हैं आप ठीक है कहाँ करनी है गवर्नमेंट जॉब बैंक में और कहाँ होती है भाभी कहाँ होती है बैंक में इनकम टैक्स में है या एयरपोर्ट उधर बढ़िया कोई चाहिए कुछ पोस्ट ऑफिस आज से आपको बाहर ही बिठाऊं हॉल में कि पापा आपको देखे पूरा टाइम पापा के पास एक्सेस है कैमरोस का कैमरोस कैमरोस कौन से उसकी माँ का है कैमरास कौन से देश का भाभी कैमरोस क्या बोला मैंने कैमरोस लगे हुए ठीक है फालतू हरकत मत करना कैमरोस पायल का फोन आया है चीकू मामा पायल का दिल नहीं लग रहा बहुत जरूरी है कि अयान को भेज दो अयान पर सपना दीदी के साथ थोड़ी देर सपना दीदी आप रख लेना वो देखती रहेगी उसको ना उसका दिल भारी हो रहा है दीदी सारे बच्चे इधर है ठीक है इसको ले जाओ हॉस्पिटल स्कूल कल चलना मामा से मिलने ठीक है स्कूल से आने के बाद देखो।